हेलो दोस्तों, जी हाँ, इस वीडियो में हम आज के ताज़ा और बॉलीवुड अपडेट्स की बात करेंगे। जो भी बड़ी बड़ी खबरें हैं बॉलीवुड से, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए खबर हम आपको बता देते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए पहली खबर आपको बता दें कि दरअसल अभी हाल ही में अर्जुन और मलाइका की शादी की अफवाह पर बोनी कपूर ने जवाब दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से रिपोर्ट सामने आ रही थी कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा शादी करने वाले हैं, लेकिन इस पे अब अर्जुन कपूर के पिता बोनी कपूर ने बयान दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये एक सिर्फ अफवाह है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि शादी को अफवाह बताया गया है और कहा है उन्होंने कि इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। वहीं पिछले रिपोर्ट्स की बात करें तो बोनी कपूर अर्जुन और मलाइका की शादी को लेकर कभी भी राजी नहीं थे, क्योंकि सलमान खान और उनकी फैमिली के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो अब क्या होता है ये तो नहीं पता हमको, शादी होगी या नहीं होगी ये तो उन पे डिपेंड करता है। तो चलिए अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अगली खबर ये है कि एक्ट्रेस पर फिर भड़की कंगना रनावत, कहा जरूरी मुद्दों पर नहीं सेक्स लाइफ पर करते हैं चर्चा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनावत ने एक बार फिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कंगना ने रणबीर और आलिया को इस जनरेशन का युवा चेहरा बताए जाने की आलोचना भी की और कहा कि आलिया युवा कैसे हैं, इस उम्र में मेरी माँ के 3 बच्चे हो गए थे। वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि दीपिका से पहले कंगना को ऑफर हुई थी पद्मावत। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत बीते दिनों ही फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में नजर आई हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। वहीं अब खबर ये सामने आ रही है, वहीं आपको बता दें कि पहले कंगना रनावत को ये रोल ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में दीपिका को ये रोल मिल गया था। वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले शादी की खबरें आ रही थी सामने अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की। तो आपको बता दें कि शादी से पहले मालदीव में गर्ल गैंग के साथ बैचलर पार्टी कर रही हैं मलाइका। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे बैचलर पार्टी कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। अब ये तो कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये खबर है कि ये दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और अभी की खबर आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा खान मालदीव में इंजॉय कर रही हैं। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि आमिर खान अपनी अगली फिल्म के लिए 20 किलो वजन घटाएंगे। जी हाँ, तैयारी शुरू कर ली है उन्होंने। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान जल्द ही एक नई फिल्म करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का नाम है आमिर लाल सिंह चड्ढा। जी हाँ, इस फिल्म में काम करने जा रहे हैं आमिर खान और इस फिल्म की घोषणा भी कर दी गई है कुछ दिन पहले आमिर खान के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए आमिर खान 20 किलो वजन घटाएंगे। अब इनका लुक आने वाला है, जब भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। वहीं अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के नए प्रोमो में विवेक ओबरॉय का गोधरा दंगे पर दमदार डायलॉग लॉन्च किया गया आज टी सीरीज की तरफ से। आपको बता दें कि इसमें विवेक ओबरॉय कहते हैं कि अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पर लटका दो। वहीं आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए और हमको बताइए कि आपको कैसी लगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म केसरी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि केसरी 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है दिन प्रतिदिन केसरी। आपको बता दें कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और फिल्म सुपरहिट हो गई है। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि टिकटॉक ऐप से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली लड़की की किस्मत चमक गई है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में उनको बड़ा ऑफर मिल गया। आपको बता दें कि टिकटॉक ऐप पर वीडियोस बनाने वाली मिलानिनी रवि को फिल्म सुपर डिलक्स में लीड रोल ऑफर किया गया। वहीं वो अब हरीश शंकर की फिल्म वाल्मीकि में भी लीड रोल करते नजर आएंगी। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो, जी हाँ सही सुना आपने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जिंदगी पर बनेगी बॉलीवुड फिल्म। जी हाँ आपको बता दें कि अब बायोपिक फिल्मों का ट्रेंड चल पड़ा है और इस समय आपको बता दें कि बहुत ही बायोपिक रिलीज हो रही हैं, लेकिन हाल ही में अब मायावती पे बायोपिक बनेगी और इसका किरदार निभा सकती हैं विद्या बालन। वहीं आप इंतजार कर रहे हैं मायावती के बायोपिक की कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि गली बॉयज और टोटल धमाल को केसरी ने पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी को केसरी मात देके आगे निकल गई है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द केसरी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है और केसरी ने गली बॉयज और टोटल धमाल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये थी आज के ताज़ा बॉलीवुड अपडेट्स जो हमने आपको बता दी। वहीं और भी बॉलीवुड अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।